हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल मीठा आलू। ये आलू हम गुड़ के साथ बनाएंगे। ये रेसिपी आप बना करके माता जी को भोग लगा सकते हैं और ये व्रत वाले भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी व्रत वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये मैंने लिया है आलू। आलू को मैंने छील करके गोल गोल काट लिया है। थोड़ा सा मोटा ही काटना है, मीडियम साइज का आलू लिया है मैंने, बहुत पतला नहीं काटना है इसको। उसके बाद अच्छे से धोने के बाद इसका पूरा पानी मैंने सुखा लिया है, पोंछ लिया है कपड़े से। अब इसको फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला है। इसको आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा घी डाल करके ऐसे भून सकते हैं। अब इसको चलाते हुए करारे करारे से आलू होने तक इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, आलू अच्छे से भुनने लगे हैं। तो अब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं इसको। और थोड़ा सा जो घी कढ़ाई में बच जाएगा उसको भी निकाल देंगे। फिर इसी कढ़ाई में चाशनी बनाएंगे इसके लिए। ये देखिए कितने अच्छे करारे से भुने हुए हैं। तो अब गुड़ को डाल देंगे। गुड़ को मैंने तोड़ करके छोटी सी कटोरी में, एक कटोरी गुड़ लिया है मैंने, तो कढ़ाई में डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको गाढ़ा होने तक अच्छा सा इसका एक चाशनी बनाना है। तो चाशनी को चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए हमारी चाशनी भी बन गई है। जब ऐसा झाग जैसे हो जाएगा ना, गाढ़ा सा, इसका मतलब है कि चाशनी हमारी बन गई है। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स भी, अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं लास्ट में थोड़ा सा इसमें बस काजू डालूंगी। तो चाशनी हमारी बन गई है। इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। अब आलू अच्छे से चाशनी में मिक्स हो गया है। कढ़ाई नीचे उतार लेते हैं, गैस ऑफ कर देंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे, सर्व कर लेंगे। ये रेसिपी व्रत वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। आप लोग जरूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ऊपर से थोड़ा सा काजू डाल देंगे, छोटा छोटा कटा हुआ। तो ये देखिए अब हमारा मीठा सा आलू बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।